नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करूछु। मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर रु। राउरकेला झीरापाणी जमस्थल निकट रे पिकनिक करबा को जाई गाधोइबा बळे अघटना। कोइल नदी रे बुडी दुई जनक मृत्यु होइतबा बळे जणे निखोज छंती। अग्निशमन विभाग पक्षरु जणक उद्धार करा जाईछि। निखोज थिबा जणक वर्तमान मध्य अग्निशमन विभाग तरफ खोज चलीछि। जो खबर बर्तमान सामना आसूरी अभावन घटना घटी राउरकेला झीरापाणी जमस्थल निकट में पिकनिक करने को जाते किसी छात्र तेज गाधोवा बेले अघटन घटी। कोइल नदी में बुड़ी दुईज छात्र मृत्यु होने निखोज थबार खबर बर्तमान सामना आसूरी। एसत बर्तमान अग्निशम विभाग जो मैंने कर्मचारी मैंने पहुंची उद्धार कार्य बर्तमान जारी रही। आप देखिपुर चित्र किभली भाव में जो अघटन घटी झीरीपाणी अघटन नदी में बुड़ी दुई सांग मृत जड़े निखोज उद्धार कार्य बर्तमान जारी रही। इस नंबर का अधिक सूचना देवा फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि सुजित साह। सुजित केते बड़े अभावन घटना घटी अग्निशम विभाग पक्ष सूचना अच्छी कि उद्धार कार्य जारी रही बर्तमान अपडेट कौन रही पाखे सुजित निहाती भाव में देखु जो राउरकेला झीरपाणी जमसेरा निकट में अघटन घटी जो पिकनिक जाते पिकनिक जवा समय ही चारिज सांग जो थे गाधोवाई नदी जो कोयल नदी अच्छी से नदी भितर को जाते नदी में पशवा समय ही जो चारिज जाक ही बुड़ जाते बुड़ जावा पर दुई जनकर जो बुड़ी नदी में बुड़ी दुई जनकर मृत्यु होती और जनक अग्निशम विभाग तरफ जनक उद्धार कर वर्तमान सुधा अग्निशम विभाग तरफ आउ जनक जो रही आउ जनक खोजा चली वर्तमान सुधा तर कि पता मिलना तेरे केते जन सुजित जाते सेठाक कि प्रत्यक्षदर्शी प्रतिक्रिया मिल पारी कि गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ कि जो मैंने मृत्युवरण करखोज अच्छा वर्तमान सामानकर परिचय वर्तमान सुधा मिल पारे कि निहाती भाव में देखु सेक्टर ओ छेंड अंचल जो छात्र रही छेंड ओ सेक्टर अंचल बोली जना पड़ी किंतु तांकर प्रकृत परिचय मिल पारिना प्रत्यक्षदर्शी कहवा अनुसार से पिकनिक को जाते जो छात्र रही पिकनिक को जाते पिकनिक करने समय ही से गाधोवा नदी भितर को जाते नदी भितर को जवा समय ही से जेहेतु नदी भितर पाटा स्रोत बहबार लगी चारिज बुड़ जाते जो स्थानीय लोक अच्छा स्थानीय लोक प्रथम देखी देखापर हिं जड़े जो उद्धार कर जनक उद्धार कर जो अग्निशम विभाग को परे खबर देते खबर देवापर अग्निशम विभाग सेठे पहुंची दुई जन जो छात्र अच्छा बाहर करते मृत्युवरण कर वर्तमान सुधा आउ जन को खोजा चली वर्तमान जेहेतु अंधार होगला खोजा चल रहा कार्यक्रम रही कथा अग्निशम विभाग टीम निश्चित भाव में जो क्या कहते भाव में खोजाखोजी लगी वर्तमान तो संध्या होगला आसंता का सकू खोजाखोजी जनक जे वर्तमान सुधा निखोज अच्छा कि ये प्रकृत में गोटे दुखद घटना जो छात्र मैंने जाते पिकनिक करने को जो थे कि देखा कि वर्तमान सुधा जन निखोज अच्छा दुई जन सांग मृत्यु होती। धन्यवाद सुजित आपणक समस्त सूचना पाई। आसा परवर्ती खबर को सांसद अनुभव बढ़ला अड़ुआ वर्षा एतला पर अनुभव और दुई सहयोगी ना मामला रुजु कर पुरीखार थाना पुलिस घरे रहा बाधा देवा धमक चमक देवा भाई संगीन अभियोग कर वर्षा जहांकि अनुभव अड़ुआ सृष्टि करपटे वर्षा पर विरोध में षड्र कर डीजीपी को चिठी लिखिं अनुभव पर सुरक्षा देवा से दावी कर सांसद अनुभव नारे रुजु हेला मामला पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी अभियोग रे मामला रुजु कला पुरीघाट थाना पुलिस आईपीसी धारा 498 ए पत्नी को शारीरिक मानसिक निर्यातना देवा 341 बेआईन भाव अटक रखा एवं 506 हत्या धमक देवा नहीं रुजु होइछि मामला केवल अनुभव नुहंती तांको घरे रहुथिबा दुई जना कर्मचारी विरोध में मध्य समान दफा लागिछि। अनुभव वर्षा विवाद कोर्टे विचाराधीन थिबा बेले प्रथम थर लागी अनुभव को नारे थाना रे मामला रुजु होई एलिगेशन आसला कि 498 और 506 आईपीसी एलिगेशन आसला केस रजिस्टर होई और इन्वेस्टिगेशन चालू छी। वर्षा दर्शाई छंती जे शुक्रवार राति रे से बाहर को जाई घर को फेरिबा परे अनुभव तांकर दुई जन कर्मचारी तांकर रूम को ताला पकाई देथले फरे से घंटाए काल घर बाहर छिडा होइथिले एपरिकी तांकु गाड़ी गुलज करा जाइथिबा वर्षा तांकर एतला रे दर्शाइथिले
एहापरे पुरीघाट पुलिस एक टीम गत राति अनुभव घर को जा घटनार तदंत कर फेरला संक्रांत प्रमाण मिलवा पर अनुभव ना मामला दायर करलिस पक्ष अनुभव विरोध में लगी दफा मध्य दुईट जमिन विहीन होनुभव अड़ुआ सृष्टि विरोध में कोर्टे चली घर हिंसा मामला उपर यार प्रभाव पड़े आईन विशारद 498 होउची क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन आटा भी नन वेलेबुल 506 होउची नन वेलेबुल जीवन रू मारद धमकैवा जदि एटा कोर्टे कि इन्वेस्टिगेशन रे प्रमाण अनुभव विरुद्ध आसे निश्चय अनुभव अनुभव क्षतिकारक हम निकटने वर्षा और भणीों मध्य होता एक टेलीफोन वार्तालापर अडियो भाइराल होता जो थे वर्षा तरीबार विरोध में भयंकर षड्यंत्र करोग आनुभव एने से डीजीपी को एक चिठी लिखि पर सुरक्षा देवासह यार तदंत करने को डीजीपी को अनुरोध करुभव खाली से नुहे गत लोकसभा निर्वाचन में लक्षाधिक भोटे हारी एक निर्दिष्ट जातीय दलर उपसभापति षड्यंत्र सामिल थी सन्देह कर यार विधिवत तदंत अनुभव चिठी दर्शाई गोटे छात तले रोचा किंतु परस्पर विरोध में निर्यातनार अभोग आणुंट परस्पर को स्वामी स्त्री बोली संबोधन करुंतु स्वामी स्त्री मर्यादा रक्षा करपार दंपति घर कलह सिनेमा कानी ठार भी अधिका बढ़ी जाइए कटकु नवेश महांती न्यूज 18 ओडिया सत मानिले जूनियर पाठ केमिति करूथले ठकेई से सबुर उत्तर एबे पुलिस हातरे धीरे धीरे आकाश पाठक कलाकारनामार चिट्ठा खोलुथबा बळे धरा पडिछि सत एथि सहित आउ केउठी ठकेई एवं जालियाती करिछंती से नै जारी रहिछि तनाघना आकाश पाठक रिमांड शेष होइथबा बळे आसंता काली एसटीजेएम कोर्ट रे हाजर करा जिवो हैंडराइटिंग ब्युरो को गला आकाश पाठकक दस्तखत ठकेई रो कोळा चिट्ठा उपर उपरदा हटाउछि कमिशनरेट पुलिस स्काई किंग रो 65 लाख टंका ठकई अभियोग को मानिले जूनियर पाठक कलुची पाठक परिवार रो गोटिए परे गोटिए कला गुमर केमिति करूथले ठकई से सबुर उत्तर लागिछि पुलिस हातरे रिमांड रे आनी आकाश पाठक को गुडे तुडे प्रश्न करछंती तदंतकारी अधिकारी आउ रिमांड रो शेष दिन रे आकाश पाठक को मुहरु सत उगाळिछि पुलिस प्रथमे मिछ आउ भुआ बुलाउथिबा आकाश शेषरे पुलिस रो सबु प्रश्नर उत्तर देछंती यासो आउ केउठी ठकेई ओ जालियाती करछंती से नै भी जारी रहिछि तनाघना चार दिन आम तुम रिमांड आसलू आनी जो आमर खराबड़ नगर थाना रो जो केस टी होई छि ता संबंध में तथ्य प्रमाण संग्रह करबा पई एवं आमर इन्वेस्टिगेशन को आगेबा पई चार दिन रिमांड जो उद्देश्य रे आम आनी आमर बहुत परिमाण रे सफल होई छि एवं केस तदंत प्रगति अग्रसर रही आम केस खूब शीघ्र तार निर्णायक मोड़ को आम केस संपर्क में जहाँ भी जिनसा था आम से विषय आम तदंत आम केस रिलेटेड जहाँ अभियोग तदंत आगे सेपटे डिजिटल और लिखित भाव जाली दस्तखत को नहीं चली खोलताल अक्षर मिसाइबापी आकाश पाठकों ठार नि 36 थर दस्तखत ठकई जालियाती अपराधिक षड्यंत्र हत्या धमक भली संगीन दफा लगी मामला को गंभीरतार सह नहीं छानबीन करुची पुलिस कमिशनरेट पुलिस रिमांड सरी आसंता काली कोर्ट में प्रड्यूस हे आकाश पाठक तापर ईडी कर छानबीन एमती ईडी आयकर विभाग कमिशनरेट पुलिस विजिलेंस क्राइम ब्रांच पाठक परिवार रो पापर पेड़ी खोलुछंती स्काई किंग रो मोर 2,78,00,000 टंका रु 2,13,00,000 टंका पैठ करथिले आकाश बाकी 65,00,000 टंका न देबारु खारवल नगर थाना रे रुजु होई मामला जहार जारी रही तदंत भुवनेश्वर कैमरामैन चितन स्वाईं सुमन सुंदर राय न्यूज 18 ओडिया ब्रांड असली तेल नकली ब्रह्मपुर सहर में दीर्घ दिन धरी चली नकली लुब्रिकेंट ऑयल कारखाना को ठाब कर पुलिस विभिन्न नामी दामी कंपनी नकली ऑयल सिल और स्टिकर जबत कर घटन पुलिस जन को गिरफ्त कर ब्रांड असली तेल नकली ब्रह्मपुर सहर रे ठाब होइछि नकली इंजिन ऑयल कारखाना सकाळे एक कार ब्रह्मपुर मोहना जाउथबा बेले पुलिस चेकिंग रे धरा पड़ी थिला कार रु पाखा पाखी 200 लीटर नकली तेल मिलिथिला
ड्राइवर मोहम्मद इजाज नामक युवक को पचरा उचरा करबा परे नकली ऑयल प्रस्तुत होतबा घरे पहुंचीथिला ब्रह्मपुर टाउन थाना पुलिस सेठारे देखिबा को मिलीथिला विभिन्न नामीदामी ऑयल कंपनी रो खाली बोतल सील नकली ऑयल समेत पैकिंग होइतिबा नकली ऑयल किभली नकली सामग्री को ने असली ऑयल प्रस्तुत करा जाउची सेने डेमो देखाइथिला अभियुक्त तांको घरु प्राय 1000 लीटर ऑयल जबत करिछि पुलिस एथि सह किछि गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र मध्य जबत होइछि दीर्घ 6 मास हला एभली नकली ऑयल बिक्री करूथिला इजास विभिन्न ब्रांडर लुब्रिकेंट अपन देख पाछंती ओ मल्टीवॉक्स कैस्ट्रोल विभिन्न कंपनी रे जोटे ब्रांडेड कंपनी रे से ऑयल से ता कहि अनुसार ऑयल नै आछि निजे हेटी प्रिपेयर करनी ऑयल कोड डुप्लीकेट ऑयल ऑन बाहर आछि करल करल बागर बोले कहू छी हम देखियौ सेटा अंडर वेरिफिकेशन कोड आनु छी कि अन्य कोड प्रिपेयर कर छी ताका वेरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज रे आछि सेटा से को आनि के से विभिन्न ब्रांड रो जो आछि होलोग्राम तार आछि विभिन्न कंपनी रा ब्रांडेड कंपनी होलोग्राम को लगे निजे पैकिंग करू छी एकदम पैकिंग करे सील करके से विभिन्न जगह को बिक्री करू छी दिल्ली करल बागरु लेबल स्टिकर ठीपी ओ बोतल को आनुथिला आरिफ निम्न मानर तेल रे रंग मिसाई ताको पैकिंग करी विभिन्न नामी दामी कंपनी रो लेबल लगाई बाजार को छाडुथिला एहा को प्रस्तुत करबा पई समुदाय 100 टंका खर्च होतबा बारे बाजार 300 टंका रे बिक्री होतला एही व्यवसाय रे खुचरा व्यवसाय शामिल थिबा जणा पडिछि केवल ब्रह्मपुर शहर नुहे बरम राज्य रो विभिन्न जिल्ला को सप्लाई होतला एही नकली ऑयल एही ऑयल को व्यवहार करले गाडी रो इंजन खराब होई जिवार आशंका भी रहिछि चारटा बड़ ड्रम प्राय 200 लीटर डबर 800 लीटर सेठी अछि हां आ पैकिंग हे कि अछि ऑलरेडी तो फॉर सेल सेटा पेटी रे भरते हे कि अछि पाखा पाखी 500 रो 1000 बोतल सेठी अछि पॉकेट से दिल्ली रो आनि छी बोली कहू छी से कोनो पर्टिकुलर जगह प्रिंट करके आनि थु हमें सेटा देखियौ के करू छी दिल्ली रो कोन आनि छी जो मटेरियल 70 टका अब ये बिकुतलो त मार्केट रे 100 टका ठीक है जाय सब आनि थु तल्लो तल्लो लो दिल्ली डायरेक्ट आस्तला डायरेक्ट आस्तला ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया। संबलपुर साखीपड़ा बीज नायक हत्याकांड घटना जड़े नाबालक समेत 6 जन को गिरफ्त करी धनुपल्ली थाना पुलिस गत 15 तारीख में पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी 20 वर्षीय युवक विजय नायक को हत्या करा जायतिला एक बाइक दुर्घटना को केन्द्र करी पूर्व अभियुक्त सहित मृतकों बचस्तार गंडपाल सूत्रपात होता अभियुक्त मैंने विभिन्न प्रकार मारणास्त्र में विजय को आक्रमण करते आहत विजय को प्रथम संबलपुर सदर हस्पिटाल और बुर्ला बड़ मेडिकल को चिकित्सा पर स्थानांतरित करता डाक्तर मृत घोषणा करते हत्याकांड पर अभियुक्त मैंने फेरार हो जाते 17 तारीख में अभियुक्त मानक गिरफ दाबी वीर सुरेन्द्र साए मार्ग साखीपड़े रास्ता अवरोध कर पुलिस पक्ष पांचटी टीम गठन करुक्त मान ठाब कर 6 जन को गिरफ्त कर तेज अन्य अभियुक्त को खुब शीघ्र गिरफ्त संबलपुर अतिरिक्त एसपी कहते आमर दुईज मुदला आकाश भई एवं जन बाधी जहाँ बयस 16 उभय को ढेंकानाल हिंदोल गिरफ्त करागला एवं आउ 4 जन अपराधी जो मैंने सुदाम साहा प्रदीप विश्वाल बाबुलू नायक एवं अविनाश दास ये 4 जन को संबलपुर विभिन्न जगार का राति आरेस्ट कर सर्वमोट 6 जन को धराई 5 जन को कोर्ट चालान कर जड़े सीसीएल ये केस्रे अच्छे आउ 4 जन आर 4 जन अछंती एतरे संपृक्ति जो मानको आमे चेष्टा करछु खूब शीघ्र धरिबु सारा राज्य रे जारी होईछि शीतलहरी आसंता 22 तारीख जाय प्रबल शीत अनुभूत हेबो एहा को दृष्टि रखी आगामी 24 घंटा पई 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग एवं 11 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि येलो वार्निंग जारी होईतिबा 5 जिला हेउछि मयूरभंज सुंदरगढ़ बरगढ़ झारसुगुड़ा एवं अनुगुल सेपरी येलो वार्निंग जारी करा जायतिबा 11 जिला हेउछि कोरापुट कंधमाल बालेश्वर केन्दुझर बौद्ध सुवर्णपुर कलाहांडी नुआपड़ा ढेंकानाल कटक एवं देवगढ़ राति रे बाहर न बुलिबा को परामर्श देछि पानीपाग विज्ञान केन्द्र गत 24 घंटे 9 स्थान में तापमात्रा 10 डिग्री तले अच्छी उपकूल ओडिशा स्वाभाविक ठार 3-4 डिग्री कमी तापमात्रा उत्तर और उत्तर पश्चिम दिग्वर शुष्क और थंडा वायु प्रवाह पर शीत बढ़ी सतर्कतामूलक पदक्षेप ने सब् जिलापा चिठी लिखिंट एसआरसी बर्तमान ओडिशा
ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିନପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିବାରୁ ଆମର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତଲହରୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଶୀତ ତୀବ୍ର ଶୀତଲହରୀ ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଲ୍ଡ ହେବ ସହିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବାର ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଯାଏ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯଦୁପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଆଇଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଡ଼ ଖବର। ଯେଭଳି ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଯଦୁପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଆଇଟି। ଆମେ ଲଗାତାର ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇକି ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆରି ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାବାଳିକା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯଦୁପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଆଇଟି। ତେବେ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା କି ଜୁଲାଇ ମାସକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଯଦୁପୁର ସହିତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର। କାହିଁକି ନା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଜେରା କରୁଥିଲା ଟିମ୍। ଆରି ଭିତରେ କହିବା କି ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ଆରି ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଇଏ ଦେଖିବା କି ଯଦୁପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ, ପାଖ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତର ଯେଉଁ ଦେଖିବା କି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବ କି, କାହିଁକିନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି 2 ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି,
जड़े गिरफ्त होई जदुपुर गांव जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करी क्राइम ब्रांच एवं जहां सूचना रही कि आसंता काली अभियुक्त को नयागढ़ पोक्सो कोर्ट को चलान करा जिवो अरुण पोथा नेतृत्व में मामलार तदंत करुथिला क्राइम ब्रांच एसआईटी ए संपर्क में पूरा अपडेट पाई फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि नवकिशोर मिश्र नवकिशोर बर्तमान अपडेट कौन रही नवकिशोर आम से सीधा सड़क जोड़ी होती नवकिशोर बर्तमान ताजा अपडेट कौन रही ये कहपारे कि कौटना कौटी एसआईटी को बड़ सफलता मिली बोली देखु स्वागतिक आम निश्चित कह नयागढ़ जदुपुर बहुचर्चित नाबालिका दुष्कर्म हत्या घटन एसआईटी जनक गिरफ्त करी ना गोपन रखी जहाँ सूचना अच्छी आसंता काली नयागढ़ जो रही पोस्को कोर्ट में हाजर करजे अरुण बत्रा ये एसआईटी टीम भाव से तार तदंत करुले जो अभोग होता जो नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या करें जमी कह एसआईटी पंदर दिन धरी छानबीन कर नयागढ़ रही जदुपुर यार तीस रु अधिक लोक पचराउचरा कर गत काली से जदुपुर गांव रे नाबालक तार माँ तार भौणी को नहीं जहाँ सूचना अच्छी आज दिन तमाम अटक रखाई एवं जहाँ सूचना आसूरी एसआईटी पक्षर जन को बर्तमान गिरफ्त कर आसंता काली फरवर्ड कर मोटामोटी भाव कह निश्चित भाव में ये हूँ बर्तमान समय बड़ खबर जदुपुर गांव जन अभियुक्त को गिरफ्त कर क्राइम ब्रांच जब भाव में पंद्रह दिन धरिकी लगातार भाव में विभिन्न दिग को लेकिन तदंत कर छानबीन कर अरुण बोथा निजे जाते जदुपुर गांव को निजे नाबालिकार परिवार लोक पचराउचरा करते बापा माँ को पचराउचरा करते पाख पड़ोशी प्रतिक्रिया नहीं देखिए कि गत काली कहीं गत काली जो खबर सामना को आ गोटे पर तीन जन को उठाई नहीं पुलिस एवं देखिए कि भौणी और माँ को छाड़ जाता किंतु कौटना कौटी जो व्यक्ति जन को रखी कि सस्पेन्स रही नवकिशोर नवकिशोर बर्तमान आम सह लगातार भाव में जोड़ी होती नवकिशोर जो कथ आपंट बर्तमान कहतु तो अधिक सूचना कौन रही आप स्वागत निश्चित भाव कह समस्त दावी थी बहुचर्चित जदुपुर नाबालिका हत्या दुष्कर्म घटना अभियुक्त केबे पदा को आसिबो जहां सूचना रही एसआईटी जड़े अभियुक्त को बर्तमान गिरफ्त कर सारी आसंता काली कोर्ट में हाजर करा निश्चित कहवा एने तार नाबालिकार बापा माँ प्रतिक्रिया आम संग्रह करूँ से एथर कि राजी नहांती से कहते पूरा तक नाम गोपन करा गोपन कला देखला से ही ग्रहण करते एपटे कह जो समस्त दावी रही नाबालिका हत्याकांड घटन अभियुक्त को फाँसी खुंड झूल देवा समस्त दावी रही कारण ये नाबालिका घटना आम जमी कह जुलाई 14 तारीख दिन जदुपुर नाबालिका निखोज होगा 23 तारीख से ही मस 23 तारीख में आर खपुरी मिलता या नाबालिकार बापा माँ न्याय पर दौड़े शेष में विधानसभा आगे आत्महत्य उद्यम पर उद्यम करते सरकार पक्ष एसआईट तदन कराइला एसआईट रुख अरुण बत्रा नेतृत्व में एक टीम कह नयागढ़ पंदर दिन धरी जेरा पकड़ते विभिन्न लोक को पचराउचरा करते जन को तापर सन्देह अनुभूत होता और जानवाक पाई एसआईट टीम यही नाबालिका हत्या कंदा घटना प्रथम नाबालिका को दुष्कर्म करत्या कर संपुक्त युवक जी अभियुक्त चिन्ह पारी एसआईट टीम जोटा कि कोर्ट में सत्य पाठ जहाँ कर आज मोटामोटी भाव जहां सूचना आसी एसआईटी पक्षर गिरफ्त कर जड़े यही नाबालिका हत्या घटन जन को गिरफ्त कर नयागढ़ रखा जहां आम पाखे सूचना अच्छी अभियुक्त को बर्तमान कह नयागढ़ रखा कौन स्थान में रखा आसंता काली स्वास्थ्य कह स्वास्थ्य परीक्षा कर नयागढ़ मुख्य हस्पिटाल स्वास्थ्य परीक्षा कर स्वास्थ्य परीक्षा करने हाजर पोस्को कोर्ट हाजर अभियुक्त को नयागढ़ पोक्सो कोर्ट को चलाण करतमान समय बड़ खबर कि कौटना कौटी जो देखिए कि क्राइम ब्रांच एसआईटी को बड़ सफलता मिली जन को गिरफ्त करवर्त समय फेरु नवकिशोर आपको अधिक अपडेट नबू वर्तमान पई बहुत बहुत धन्यवाद नवकिशोर आपनको समस्त सूचना पई समस्त सूचना बुलेटिन को एट रखिबा नमस्कार।